बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में ट्यूटोरियल प्लांट में। इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन के यूज़ के बारे में सीखेंगे। प्रीपोजिशन इंग्लिश का बहुत ही अच्छा पार्ट है। हम लोग बहुत सारे मिस्टेक्स कर देते हैं प्रीपोजिशन का यूज़ करते वक्त। जिस जिस वर्ड के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होना चाहिए उस सब के साथ भी प्रीपोजिशन का यूज़ हम लोग कर देते हैं। प्रीपोजिशन किसी भी वर्ड के पहले लगता है, इसका नाम ही है प्रीपोजिशन। प्री मतलब होता है पहले, पहले आकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। प्रीपोजिशन के यूज़ से ही हम लोग फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। प्रीपोजिशन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, बहुत बड़ा यूज़ है। तो इसी यूज़ में हम लोग गलत कर देते हैं, उसके साथ जिस वर्ड के साथ नहीं लगना चाहिए उससे के साथ भी लगा देते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं कि किस किस वर्ड के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इनफॉर्म, अटैक, ऑर्डर, पिक, वायलेट, साइन, ओबे, असिस्ट, एकम्पनी, रिजेंबल, रेसिस्ट, कंपैट, बेनिफिट, एफोर्ड, लव, हेट, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, रीच, इंटर, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे। एक साथ इन वर्ड्स को याद करना बहुत ही कठिन है, इसलिए इन वर्ड्स को याद करने के लिए मैं एक कहानी बता रहा हूँ। उस स्टोरी से आप लोगों को ये वर्ड आसानी से याद हो जाएगा। चलिए तो हम आप लोगों को एक फिल्म की स्टोरी, बॉर्डर फिल्म तो आप लोग देखे होंगे, तो उसी की स्टोरी पे मैं मिला के सुनाता हूँ कि सेना को किसी ने इन्फॉर्म किया कि उस पर अटैक होने वाला है। पहला वर्ड हमारा इन्फॉर्म, जिस जो जो वर्ड इसमें है उसका मैं अर्थ बताते जाऊँगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो किसी ने इन्फॉर्म किया मतलब सूचित किया कि हम पे अटैक होने वाला है। अटैक मतलब आक्रमण होने वाला है। तो हमारे कमांडर ने सैनिकों को ऑर्डर दिया, ऑर्डर ऑर्डर मतलब आदेश दिया कि अपने अपने हथियार पिक कर लो। पिक कर लो मतलब उठा लो। अब कुछ सैनिक तो मान गए, लेकिन कुछ सैनिकों ने इनकार कर दिया मानने से। उसको कहते हैं वायलेट करना, वायलेट कर दिया। देख लीजिए अगला है वायलेट, वायलेट कर दिया। तो जब उन्होंने वायलेट कर दिया, मना कर दिया, तो हमारे जो कमांडर थे उन्होंने कहा कि ये इस रेजिग्नेशन लेटर पे आप लोग साइन कर दो, साइन। तो कुछ ने आज्ञा का पालन किया और उस पर साइन कर दिया। ठीक है, अब हमारी सेना लड़ाई करने के लिए तैयार हो गई। अब उसकी सहायता के लिए अन्य सैनिक की टुकड़ी ने, सहायता मतलब असिस्ट, उसके असिस्ट के लिए, सहायता के लिए बहुत सारी सैनिक की टुकड़ी एकम्पनी हो गई। एकम्पनी मतलब एक साथ हो गई। अब हमारी सेना एक बहुत बड़ी सेना की तरह, रिजेंबल मतलब के समान की तरह का, हमारी सेना एक बहुत बड़े सेना, महाभारत के सेना की तरह विशाल हो गई, के समान लगने लगी, बड़ी सेना के समान लगने लगी, के रिजेंबल लगने लगी। अब हमारी सेना ने उनकी आतंकवादियों को, पाकिस्तानी सेना को रेसिस्ट किया मतलब रोका, विरोध किया उनका, उनके साथ कॉम्बैट किया, कॉम्बैट मतलब युद्ध किया, उसके साथ युद्ध किया। तो युद्ध से कुछ फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा हुआ और जितना भी खर्चा हुआ उसका युद्ध का, वो सारे हमारे गवर्नमेंट ने एफोर्ड किया। एफोर्ड मतलब सहन किया सारे खर्चे को। इस प्रकार हम लोगों ने युद्ध जीता और हम लोग अब प्यार से रहते हैं और हम लोग किसी से नफरत नहीं करते हैं। प्यार से रहते हैं मतलब लव, और नफरत नहीं करते हैं मतलब हेट नहीं करते हैं किसी से। अब मैं कह सकता हूँ कि चाहे वो बीता हुआ कल हो, मैं कल भी अपने देश से प्यार करता था, यस्टरडे भी, आज भी अपने देश से प्यार करता हूँ, टुडे और टुमारो आने वाले कल भी अपने देश से प्यार करता रहूँगा। चाहे मैं कहीं भी पहुँच जाऊँ, पहुँचना का रीच, चाहे मैं कहीं भी पहुँच जाऊँ, कहीं भी इंटर करूं मतलब किसी भी कंपनी में कहीं भी प्रवेश करूं, चाहे वो पिछला वर्ष था या पिछला महीना था या पिछला सप्ताह था या पिछला दिन था, हमेशा मैं अपने देश को प्यार करूंगा, हमेशा मैं अपने देश को याद करता था, याद करता हूं और याद करता रहूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार मैं आसानी से ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। आप बस इस वीडियो को दो बार तीन बार देखिए आराम से और आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को पॉज करके आप अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं, ठीक है।
और उससे भी अच्छा होगा कि आप ये दूसरे को जो कहानी मैंने आपको बताई आप सीख कर दूसरों को भी समझाइए, तो इससे दो फायदा होगा, आप खुद भी समझ जाइएगा और दूसरों को भी समझाइएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ इस वीडियो का लिंक भी उसे भेज दीजिए और खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ सेंटेंस देखते हैं जिसमें हम प्रीपोजिशन का मिस्टेक करते हैं, ठीक। जैसे कि ही ऑर्डर्ड फॉर माई डिसमिसल, ये सेंटेंस गलत है, फोर यहाँ पे नहीं लगेगा। देखने में लग रहा है सही क्योंकि यहाँ पे है ही ऑर्डर, उसने मेरे डिसमिसल के लिए, मुझे निकालने के लिए ऑर्डर दिया, ठीक है। लेकिन ऑर्डर के साथ प्रीपोजिशन लगता नहीं है इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। यहाँ पे इसका सही होगा ही ऑर्डर्ड माई डिसमिसल। नेक्स्ट है ही डज नॉट ओबे टू माई वर्ड्स, चूँकि ओबे के साथ किसी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता यहाँ पे, इसलिए टू का यूज़ गलत है। यहाँ पे होगा ही डज नॉट ओबे माई वर्ड्स। अगला है आई विल इन्फॉर्म टू योर फादर, तो चूंकि इन्फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन, इन्फॉर्म के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता इसलिए यह गलत है, तो यहाँ इसका सही होगा आई विल इन्फॉर्म योर फादर। उसके बाद है यू मस्ट नॉट वायलेट अगेंस्ट द रूल्स, तो एक वायलेट के बाद प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता इसलिए यहाँ पर अगेंस्ट का रूल गलत है, अगेंस्ट नहीं लगेगा। इसका होगा यू मस्ट नॉट वायलेट द रूल्स, ठीक है। तो इतना ही, और भी ये जहाँ जहाँ ये वर्ड्स आएंगे वहाँ वहाँ प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लानेट फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।